Assalamualaikum class, my name is Muzdalifa Irfan and our course is Advertising and Marketing. Class, in today's lecture we will learn about direct mail. What is direct mail? Class, जैसे हमने इससे पिछले लेक्चर में बात की business to business communication की, business to consumer marketing या business to consumer communication की. अब अगर हम business to business की बात करें, थोड़ा सा उस लेक्चर को रिकॉल करते हैं. business to business क्या था? बिजनेस टू बिजनेस ये है कि जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से कोई भी चीज़ किसी फॉर्म में भी परचेज करते है कुछ नया प्रोड्यूस करने के लिए आगे कंज्यूमर को सेल करने के लिए, तो वो बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग है. फॉर सपोज इस तरह कोई भी किसान गंदम उगाता है, उससे कोई मिल ऑनर वो गंदम खरीदता है. बेसिकली ये बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग है या कम्युनिकेशन है, जिसके बाद वो मिल ऑनर उसको प्रोसेस करेगा और आगे आटे के बैग्स प्रिपेयर करेगा मार्केट में सेल करने के लिए. अब उस मिल ऑनर से भी जो रिटेलर या होलसेल रिटेलर या जो भी शॉपकीपर बाय करेगा, तो वो भी बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन होगा. बिजनेस टू कंज्यूमर इसी तरह से कि वो चीज़ जो कि एक बिजनेस ने प्रोड्यूस की, एक बंदे ने प्रोड्यूस की, मैन्युफैक्चरर ने प्रोड्यूस की, उसने मार्केट में दे दी आगे शॉपकीपर को, शॉपकीपर से जाके आपने बाय की, तो वो बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केटिंग में आ जाता है. अच्छा, अब डायरेक्ट मेल क्या है? इसका बिजनेस टू बिजनेस का डायरेक्ट मेल के साथ क्या लिंक है? कंपनीज वेंट टू रीच देयर कस्टमर यूजिंग द मोस्ट एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे पॉसिबल. दे डोंट वॉन्ट टू वेस्ट मनी advertising products and services to those who aren't in their target market. They want to be sure they are reaching the demographics that is interested in what they do, say or sell. While prepared, not as flashy or other form of marketing, direct mail marketing is one of the most cost-effective, minimally intrusive form of advertising. By using the proper research tool, companies can send their message directly to specified demographic, targeting the most likely customers. अच्छा, अब होता क्या है कि companies normally कोशिश करती हैं कि वो इस तरह के ways adopt करें, ऐसे method of adopt करें communicate करने के या advertise करने के जो कि cost effective भी हों. वो चाहते हैं कि वो directly उस consumer से बात करें या कम्युनिकेट करें जो कि उसका उस प्रोडक्ट का यूज़र है. वो ये नहीं चाहते कि वो अपनी प्रोडक्ट का इस तरह की एडवर्टाइजिंग करे जो एक जनरल सबके लिए एडवर्टाइजिंग हो, बल्कि वो सिर्फ अपने टारगेट ऑडियंस तक स्पेसिफिक रहना चाहते हैं. वो इस बात का इंश्योर करना चाहते हैं कि उनकी प्रोडक्ट एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस तक या उनका मैसेज एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस तक पहुँच रहा है. ठीक है, फॉर सपोज जैसे आपने एक टीवीसी डिज़ाइन करते हो, टीवीसी बन गया, वो टीवी के ऊपर चल रहा है, वो अगर शैम्पू का टीवीसी है वो उससे रेलेवेंट लोग भी देख रहे हैं जो कि वो शैम्पू यूज़ करते हैं, वो इररेलेवेंट जो लोग वो ब्रांड नहीं भी यूज़ करते वो भी उनको भी देखना पड़ रहा है. क्यों? क्योंकि वो उस जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं उसके दौरान जब वो एड लगाए तो वो एडवर्टीजमेंट उसका पार्ट है या वो चैनल चेंज कर देंगे. लेकिन कंपनीज़ क्या चाहती हैं? बहुत से केसेस में कंपनीज ये चाहती हैं कि क्योंकि जब वो चैनल चेंज हो गया तो डेफिनेटली उस बंदे तक जो नई इन्फॉर्मेशन सुनना चाहता था उसने नहीं सुनी. लेकिन कंपनीज़ की कोशिश होती है कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं ही उन लोगों तक जो कि उनके बारे में जानना चाहते हैं या जो उनके ऑडियंस है या जो जिनको लगता है कि वो ये प्रोडक्ट बाय करते हैं या करेंगे इन फ्यूचर में. ठीक है, एंड दे वांट टू बी श्योर दे आर रीचिंग द डेमोग्राफिक्स डैट इज़ इंटरेस्टेड इन व्हाट दे डू से और सेल. ठीक है, कि वो उस डेमोग्राफिक जैसे हमने पहले बात की, उस एज ग्रुप, उस जेंडर, उस एजुकेशन का ग्रुप या वो क्लास लोगों की जिनको कि वो लगता है कि जिनको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है या वो ये यूज़ करते हैं या वो इसके बारे में सुनना चाहते हैं, वो सिर्फ उन्हीं को अपना मैसेज कन्वे करेंगे. वाइल परहैप्स नॉट एज फ्लैशी एज अदर फॉर्म ऑफ मार्केटिंग, डायरेक्ट मेल मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मिनिमली इंटरेस्टिव फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग. अच्छा ठीक है, अब जैसे हमने बात की सबसे ज़्यादा जब हम जब मार्केटिंग की बात करते हैं, हमने 4 P's की बात की थी, सबसे ज़्यादा बजट हमेशा एडवर्टाइजिंग का होता है. एडवर्टीजमेंट सबसे ज़्यादा कॉस्ट कंज्यूमिंग काम है किसी भी ब्रांड या किसी भी प्रोडक्ट की प्रमोशन में. सबसे ज़्यादा बजट एडवर्टीजमेंट के लिए रखा जाता है या उसकी प्रमोशन के लिए रखा जाता है. तो
बेसिकली जो डायरेक्ट मेल है वो सम हाउ कॉस्ट इफेक्टिव है, मिनिमली इसलिए इसको कहा जा रहा है बिकॉज वो हर बंदे तक नहीं जा रहा, वो स्पेसिफिकली कोशिश की जाती है कि उस बंदे तक वो मैसेज पहुंचाया जाए या डायरेक्ट मेल उस बंदे को की जाए जो कि उससे रेलिवेंट बनता है, ठीक है। बाय यूजिंग द प्रॉपर रिसर्च टूल कंपनीज कैन सेंड देयर मैसेज डायरेक्टली टू स्पेसिफिक डेमोग्राफिक टारगेटिंग द मोस्ट लाइकली कस्टमर, ठीक है। और वो सबसे ज़्यादा जो कि जो उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा उनकी प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले या पसंद करने वाले कस्टमर हैं वो उन तक पहुँचते हैं। यूजिंग क्रिएटिव स्ट्रेटजीज डायरेक्ट मेल कंपनीज कैन ग्रैब द अटेंशन टू द आइडियल कंज्यूमर एंड एंटाइज देम टू डू परचेज गुड और सर्विसेज, ठीक है। डिफरेंट क्रिएटिव स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं डायरेक्ट मेल के अंदर ताकि आपका मैसेज पहुँचाया जा सके अपनी रेलिवेंट ऑडियंस तक और उसको मोटिवेट किया जा सके उस चीज़ या उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। वॉट इज़ डायरेक्ट मेल? Direct mail is a form of marketing that involves sending a physical piece of promotional material through the US postal services or other courier services to a home or business. Some recipients refer to it as junk mail because direct mail generally arrive uninvited. अच्छा, direct mail है क्या basically? इसके अंदर हम जैसे हम बात करते हैं आप print ad देखते हो जो कि magazine में आप print होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डिजिटल ऐड की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, तो उसके अंदर हमारे पास रेडियो आ जाते हैं, टेलीविज़न आ जाते हैं जो कि नॉन टेंजिबल फॉर्म है। लेकिन डायरेक्ट मेल के अंदर क्या होता है कि आप कोई भी फिज़िकल पीस होता है प्रोडक्ट का आपकी, उसको आप डिलीवर करवाते हो अपने टारगेट ऑडियंस के घर पर भी, या अगर आपका कोई बिज़नेस रेलिवेंट बनता है तो उसके ऑफिस में। अच्छा, बहुत से लोग जंक मेल भी इसको कहते हैं डायरेक्ट मेल को, बिकॉज डायरेक्ट मेल समटाइम अनइनवाइटेड भी होता है, लाइक आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते आपके पास कोई इस तरह का कोई भी पीस आ सकता है जो कि किसी इन्फॉर्मेशन से रेलिवेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसे डायरेक्ट मेल को जंक मेल का भी नाम दिया जाता है। डायरेक्ट मेल एनकंपसेस अ वाइड रेंज ऑफ मार्केटिंग मटीरियल इंक्लूडिंग ब्रोशर, कैटलॉग, पोस्ट कार्ड, न्यूज़ लेटर एंड सेल लेटर्स। नॉर्मली आप देखते हैं जिस तरह आपके घर पर मेट्रो जो स्टोर है, लार्ज रिटेल स्टोर है, वहाँ से आपके पास कोई ब्रोशर आया होता है उसका जिसके अंदर पूरी उसकी प्रोडक्ट की डिटेल्स होती हैं, तो बेसिकली ये डायरेक्ट मेल है जिसके अंदर के आपका जो ब्रांड है वो डायरेक्टली अपनी सिर्फ ऑडियंस को वो मैसेज सेंड कर रहे हैं। हो सकता है आप वहाँ से ग्रॉसरी करते हो, आप नॉर्मली होता है आप इस तरह किसी स्टोर पर जाते हो, आपसे वो समटाइम कोई कमेंट कार्ड टाइप फिल करवा लेते हैं जिसके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद क्या होता है कि आपको फिर कुछ टाइम के बाद उनकी तरफ से कोई फ्लायर आ जाएगा, कोई उनकी प्रोमोशनल कोई कैटलॉग आ जाएगी जिसके अंदर उसके आइटम्स के बारे में बताया होगा, उन पर सेल है, डिस्काउंट है, कोई भी इस तरह के कूपन्स आ जाएंगे। तो बेसिकली वो सिर्फ उन कस्टमर्स उन क्लाइंट्स को जाते हैं जो कि उनके रेगुलर कस्टमर होते हैं या जो वहाँ से कोई शॉपिंग कर चुके होते हैं या कोई भी इस तरह से, वो हर किसी को वो जो है डायरेक्ट मेल सेंड नहीं किए करते। Major corporation note that direct mail advertising is one of the most effective and profitable way to reach out to new and existing clients. What's the advantage? Unlike other form of advertising in which you are never just sure who's getting your message, direct mail let you communicate one-on-one with your target audience. That allow you to control who receive your message, when it is delivered, what's in the envelope and how many people you reach. ठीक है, जैसे मैंने पहले बात की कि आपको ये पता होता है कि आपने किसको सेंड कर रहे हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, कौन आपके स्टोर से प्रोडक्ट बाय करते हैं, आपने सिर्फ उसी को वो सेंड करना है, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट ये इफेक्टिव होती है। आप देखो एक कैंपेन या फ्लायर अगर आपने डिज़ाइन किए हैं और वो आपने सब घरों में आपने किसी एक एरिया सेलेक्ट कर लिया उसके सब घरों में डिस्ट्रीब्यूट करने, हो सकता है बहुत से लोग उसको देखें भी ना, वो न्यूज़पेपर में रख के आए हैं या वैसे वहाँ पर आपने घर पर डिस्ट्रीब्यूट करवाया है, वो बाहर गेट के पास ही पड़ा रहा है, नहीं उठाया किसी ने। लेकिन जब कोई ऐसी चीज़ है जो स्पेसिफिक लोगों के घर पे जा रही है और आप पोस्ट कर रहे हो, डेफिनेटली आपके पास पोस्टल सर्विस वाले आके बेल करेंगे, आपसे सिग्नेचर लेंगे, देन वो आपको हैंड ओवर करेंगे या किसी भी तरह से, ठीक है। तो उसके अंदर थोड़ा सा मैकेनिज्म चेंज होने की वजह से आपको भी एक स्पेशल फील होता है कि अच्छा ये चीज़ मेरे लिए मेरे डोर स्टेप पर आके मुझे बेल करके इन्फॉर्म करके दी गई है, उसका उस चीज़ का उस प्रमोशनल पीस के वैल्यू थोड़ी डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू
बाकी मीडियम्स। टीवी के ऊपर जैसे हमने बात की, एक ऐड चल रहा है तो आपके पास चॉइस है, आप वो चेंज कर सकते हो। लेकिन जब डायरेक्ट मेल आपके पास आती है तो आपके पास ये उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है कि वो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है, तो उसके अंदर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट फील होता है, आपको ये फील होता है कि ब्रांड आपके साथ ज़्यादा क्लोज है, इसलिए आप भी उसके बारे में जानना पसंद करते हो। अच्छा, टाइप ऑफ डायरेक्ट मेल जैसे हमने ऊपर में बताया, ब्रोशर, लेटर, फ्लायर, न्यूज़ लेटर, कैटलॉग, पोस्ट कार्ड, कूपन एनवेलप्स, पैकेजेस। इसके अंदर आप कोई भी क्रिएटिव पैकेजिंग हो सकती है, कुछ भी क्रिएटिव आइडिया आपका हो सकता है जो 3D फॉर्म में हो सकता है। बेसिकली आपने क्या देखना होता है कि आपकी ऑडियंस कौन है, उसका इंटरेस्ट क्या है, मैं उसको किस तरह से मोटिवेट करूँ कि वो इस प्रोडक्ट या आपके ब्रांड के बारे में जानने या समझे, तो आप उसको डायरेक्ट मेल सेंड करवाते हैं जो कि स्पेसिफिकली आप देखते होंगे। अक्सर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, बहुत से ब्रांड्स का आ रहा होता है कि उन्होंने आपके साथ, डिफरेंट लोगों ने अपनी स्टोरी शेयर की होती है कि उनको कॉम्प्लीमेंट्री बॉक्स कहीं से गिफ्ट आया, किसी ब्रांड ने सेंड किया है। तो बेसिकली ये डायरेक्ट मेल टाइप एक उसी की एक फॉर्म है कि आपको जो ब्रांड है वो आपके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है, आपको अपनी प्रोडक्ट भेज के कि अच्छा ठीक है एज अ कॉम्प्लीमेंट आप इसको यूज़ करके देखें। डेफिनेटली आप यूज़ करेंगे, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छी लगेगी, आपको सूट करेगी, तो आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम जाके उसको बाय कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कंपनीज डिफरेंट स्ट्रेटजीज के अंदर डायरेक्ट मेल को भी यूज़ करती हैं जो कि कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। इसके अलावा ये आपको हेल्प आउट करती है आपकी एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस को रीच करने में। तो इसके अंदर कुछ मैंने एग्जांपल्स आपके साथ शेयर किए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं कि किस किस टाइप की आपके पास डायरेक्ट मेल के अंदर एग्जांपल्स हैं, किस तरह आप इसको क्रिएटिव बना सकते हैं। ठीक है, ये आप अगर देखें लिवाइस का ये फ्लायर है, ठीक है, पॉपअप क्लोजेट है उसकी, ये जब ये इस तरह से, ये पहले ऐसे, ठीक है, जब ये ओपन होता है तो देखिए आगे फर्दर उसके ड्रॉअर भी ओपन हो जाते हैं जिसके अंदर उन्होंने छोटे कुछ डमीज रखी हुई है क्लोथिंग की, क्लोथ पीस है। ठीक है, ये देखें, तो बेसिकली ये एक डायरेक्ट मेल की फॉर्म है जो कि उन्होंने लिवाइस ने सेंड किया अपने कस्टमर को। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि वो 3D है जिसकी वजह से ऑलरेडी एक इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप हो रहा है, और फिर डेफिनेटली जब आपको ये पता चलता है कि ये कुछ स्पेसिफिक लोगों को भेजा गया तो देन यू विल फील मोर स्पेशल। ठीक है, अच्छा ये आप देख सकते हैं, ये अगेन ये बिस्किट की पैकेजिंग है जो कि समहाउ ओवन की तरह की है। ठीक है, ये डायरेक्ट मेल की एग्जांपल है, ये देखिए। ठीक है, अब बेकरीज भी इस तरह से होता है कि अपने रेगुलर क्लाइंट्स को अगर कोई नई प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया है, कोई नया कोई भी बेकरी आइटम लॉन्च की है, तो वो अपने जो उनकी रेगुलर ऑडियंस है उसको वो एज अ टोकन ऑफ लव कह सकते हैं या टोकन ऑफ अफिलिएशन वो डायरेक्ट मेल सेंड करते हैं ताकि वो अपने कंज्यूमर को उसके बारे में बता सकें कि हमने ये नया फ्लेवर या ये नई प्रोडक्ट लॉन्च की है, तो आप इसको टेस्ट करें या आप इसको आके ट्राई करें और बाय कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये देख सकते हैं, ये एक ब्लड डोनेशन का है, इन्फ्यूज योर हॉस्पिटल विद अ स्टेडी रेवेन्यू स्ट्रीम। ठीक है, फाउंड आउट हाउ MEP कैन बूस्ट योर हॉस्पिटल्स बॉटम लाइन। अगेन ये एक हॉस्पिटल की तरफ से मैसेज है जो कि डेफिनेटली उन्होंने अपनी ये डायरेक्ट मेल अपने कुछ स्पेसिफिक कंज्यूमर, अपने स्पेसिफिक क्लाइंट्स को या उनके जो पेशेंट्स हैं उनको सेंड करते हैं। और यही चीज़ इवन बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को भी अपनी प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए या अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए भी डायरेक्ट मेल को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर दोनों केसेस में हमें डायरेक्ट मेल की एग्जांपल्स नज़र आती हैं, दोनों केसेस में ये हमारे काम आते हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं BMW की, ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है अगेन। इसके अंदर ये बेसिकली इनकी विंटर के बारे में, उन्होंने विंटर में कार के टायर्स के बारे में बताया कि उसकी ग्रिप कितनी अच्छी है, कि स्नो के ऊपर ये कितना, जिस तरह आप देखें उन्होंने वो दिखा रहे हैं। बेसिकली ये एक इनकी कैटलॉग है, ठीक है, जो कि इसका टाइटल आप देख सकते हैं पूरा ये बंद है। ठीक है, देन आप उसके ऊपर जैसे आप उसको उठाते हैं, ये इसके ऊपर जैसे आप देख रहे हैं किस तरह वो रोड की तरह एक ट्रैक है जो कि उसको क्रीज किया हुआ है, उसको उसने जब पुल कर रहे हैं वहाँ से वो स्मूथली कटता जा रहा है। तो इसी तरह से आपको ये बता रहे हैं कि इसकी ड्राइव स्नो में भी इतनी स्मूथ है, इसके टायर की ग्रिप इतनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, देन उसके अंदर आगे देखें BMW कोल्ड वेदर टायर्स। तो बेसिकली ये BMW ने कैटलॉग डायरेक्ट मेल डिज़ाइन की, अगेन अपने स्पेसिफिक कस्टमर्स को सेंड करने के लिए, अगेन बिजनेस टू बिजनेस में भी ये यूज़ हो सकते हैं। ठीक है,
अच्छा नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं ब्रीफ केस एंड कैलेंडर इन साइड, ठीक है, तो ये ब्रीफ केस की तरह का कैलेंडर है। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती है, कोशिश की जाती है कि उसको क्रिएटिव रखा जाए, उसके अंदर कोई इनोवेशन रखी जाए जिससे आपका क्लाइंट इंस्पायर हो। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्मल फ्लायर या ब्रोशर आपके घर पे वैसे भी आपको अक्सर आपको घिरे हुए मिलते हैं, अक्सर न्यूज़पेपर में काफ़ी आपको ब्रोशर फ्लायर मिलते हैं, लेकिन डायरेक्ट मेल का क्या पर्पज़ होता है, क्योंकि वो लिमिटेड लोगों तक जाना होता है, कोशिश की जाती है कि उसको क्रिएटिव रखा जाए एज मच एज पॉसिबल। कुछ टाइम पहले HPL ने इसी तरह से अपने कस्टमर्स को चॉकलेट सेंड की थी, वो एक बॉक्स था जिसके अंदर चॉकलेट थी, ठीक है, और ये भी डायरेक्ट मेल की एग्जांपल है। पर्पस क्या था, अपने कस्टमर को कॉम्प्लीमेंट्री एक बॉक्स सेंड करना, टू से थैंक्स या कुछ पीस टाइप के मैसेज के साथ, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी क्लाइंटेल इंक्रीज करती हैं। डेफिनेटली जब आपको एक ऐसा पैकेज मिलता है, आपको गिफ्ट्स हमेशा सबको अच्छे लगते हैं, तो ये बिल्कुल इसी तरह से डायरेक्ट मेल जिस तरह आप किसी को सरप्राइज गिफ्ट सेंड करते हो कि दूसरा बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, बट आप उसको कुछ सेंड करते हो जो कि इंटरेस्टिंग है, उसको पसंद आता है, तो डेफिनेटली उसको अच्छा लगेगा, उसके दिल में आपकी वैल्यू आपकी इज्जत बढ़ेगी। अच्छा नेक्स्ट ये देख सकते हैं, अगेन ये बहुत है इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ठीक है, ये कैसेट रिकॉर्ड की तरह से कैसेट प्लेयर होता था उस तरह से ये बना हुआ है, मेक श्योर मोमेंट, ठीक है। बिसाइड द आइटम बींग मेल्ड, द अदर एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ अ सक्सेसफुल डायरेक्ट मेल कैंपेन इज योर लिस्ट, हु यू आर गोइंग टू मेल टू, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप ये देखते हैं कि आपने किस कस्टमर को, कितने नंबर ऑफ पीपल को ये भिजवाना है, कितने कंज्यूमर आपको लगता है कि आपके साथ आपके लॉयल कंज्यूमर हैं, या आपको उनको सेंड करने की ज़रूरत है, या अगर बिजनेस टू बिजनेस आप अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में बताना चाह रहे हो, तो किस बिजनेस को सेंड करना ज़रूरी है, ये सबसे पहले आप इसको लिस्ट डाउन करते हो। टू क्रिएट एन इफेक्टिव डायरेक्ट मेल कैंपेन, स्टार्टिंग बाई गेटिंग योर नेम ऑन एज मैनी मेलिंग लिस्ट एज पॉसिबल। जंक मेल इज इन जंक वेन यू आर ट्राइंग टू लर्न अबाउट डायरेक्ट मेल। ऑब्टेन फ्री इंफॉर्मेशन एवरी चांस टू गेट, स्पेशली फ्रॉम कंपनीज डेट ऑफर प्रोडक्ट और सर्विसेज सिमिलर टू योर्स। टेक नोट ऑफ योर रिएक्शन टू ईच पीस ऑफ मेल एंड सेव द वन डेट कम्युनिकेट मोस्ट इफेक्टिवली, वेदर दे कम फ्रॉम लार्ज और स्मॉल कंपनीज, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है कि आपको कंपनीज, आपको इनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपको हेल्प करती है, आपको डिफरेंट, जैसे मैंने बताया प्रोडक्ट के बारे में, डिफरेंट कंपनीज के ऑफर के बारे में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि मेट्रो कैश एंड कैरी, इसके अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा फेमस और कॉमन एग्जाम्पल है अगर हम अपने इधर पाकिस्तान में देखें, ठीक है। उसके अक्सर आपके पास आप देखते होंगे कि आपके घर पे उसके ब्रोशर आते हैं जो कि उसकी कंप्लीट प्रोडक्ट से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होते हैं, उसके प्रोडक्ट्स में प्राइसेस के बारे में, प्राइस डिफरेंसेस बताए होते हैं, क्वांटिटी के बारे में बताए होते हैं, तो ये सब चीज़ें डायरेक्ट मेल के अंदर आती हैं, जो कि स्मॉल और लार्ज दोनों कंपनीज ये मेथड अडॉप्ट करती हैं, और ये आपको हेल्प आउट करती हैं अपने कंज्यूमर या मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडियंस को रीच करने में। अच्छा द मोस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट मेल इंसर्ट ऑफन यूज की वर्ड एंड कलर, मेक श्योर द कलर यू यूज प्रमोट द अप्रोप्रिएट इमेज। न्यून कलर फॉर एग्जाम्पल कैन अट्रैक्ट अटेंशन फॉर पार्टी प्लानर और गिफ्ट बास्केट बिजनेस। ऑन द अदर हैंड आइवरी एंड ग्रे आर यूज द कलर ऑफ चॉइस फॉर लॉयर, फाइनेंशियल प्लानर एंड अदर बिजनेस सर्विसेज। अच्छा अब अगेन अगर हम इसके अंदर डिज़ाइन परस्पेक्टिव से बात करें या डिज़ाइन एलिमेंट के रिस्पेक्ट की बात करें, तो इसके अंदर आपके पास कलर का एलिमेंट आ जाता है, डिफरेंट शेप्स का एलिमेंट आ सकता है जिसके साथ आप प्ले कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल्स दिखाई जो कि थोड़ी सिंपल या 2D एग्जाम्पल, आपकी ये नॉर्मल जो हमने जैसे फ्लायर ब्रोशर की बात करते हैं उससे हटके 3D एग्जाम्पल्स थी, ठीक है, जो कि क्रिएटिव एग्जाम्पल्स थी। इस तरह की आप क्रिएटिव पैकेजिंग सेंड कर सकते हैं, स्पेसिफिक कलर आप रख सकते हैं, कोई आप उसको नेम दे सकते हैं, टाइपोग्राफी के साथ टेक्स्ट के साथ प्ले कर सकते हैं। तो बीइंग अ डिज़ाइनर आपके पास ये चॉइस होती है या आप ये सेलेक्ट करते हो कि आपको किस ऑडियंस को किस तरह से मैसेज पहुंचाना है, क्या डायरेक्ट मेल किस ऑडियंस के लिए सूटेबल होगी, उसको क्या वे सूटेबल होगा, उसको किस तरह से प्रेजेंटेबल, किस तरह से एस्थेटिकली अपीलिंग बनाना है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेल एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट मैथड है या वे है कम्युनिकेट करने का अपनी प्रोडक्ट के बारे में, या अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने का अपने कंज्यूमर को, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा इसका दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं कि डायरेक्ट मेल ऐसा फिजिकल पीस होता है, प्रमोशनल पीस होता है, जो आप अपने कंज्यूमर को
एक बिजनेस सेंड करते हैं या वो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सेंड करते हैं अपने बिजनेस के बारे में बताने के लिए, या बिजनेस अपने स्पेसिफिक कंज्यूमर्स को सेंड करते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि फ्लायर या ब्रोशर आपके पास वो होते हैं जो न्यूज़पेपर में सबके घर पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये इसमें वो चीज़ नहीं आएगी। इसमें ये ऐसे आएगा कि जो कि ब्रांड कुछ स्पेसिफिक कंज्यूमर या स्पेसिफिक कस्टमर्स को वो चीज़ मेल करे या सेंड करे, पोस्ट करे, और फिर आप उसको रिसीव करते हो। देन आपको आगे जो भी पार्सल या जो भी पैकेज मिलता है वो आपका डायरेक्ट मेल होता है, जिसके अंदर कि आपकी ब्रांड अपने कंज्यूमर या ऑडियंस के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, टू इन्वॉल्व द रीडर इन द ऑर्डरिंग प्रोसेस मैनी मेलर इंक्लोज येस और नो स्टिकर डेट आर टू बी स्टक ऑन टू द ऑर्डर फॉर्म। कंपनीज सच एज पब्लिशर क्लियरिंग हाउसेज टेक दिस टेक्निक फर्दर बाय आस्किंग रेसिपिएंट टू फाइंड हिडन स्टिकर थ्रू आउट द मेलिंग एंड स्टिक देम ऑन द स्वेप टेकर एंट्री। इट इज ऑल्सो आस्क कस्टमर टू चूज देयर प्राइस विच गेट देम इवन मोर इन्वॉल्व। नेक्स्ट, रीड अप ऑन द सब्जेक्ट। ठीक है, आप किसी सब्जेक्ट के ऊपर रीड अप एक आर्टिकल टाइप कुछ भेज सकते हो उनको कि ये क्या प्रोडक्ट क्या है आपकी। अ वेल्थ ऑफ प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल टू हेल्प एजुकेट यू अबाउट डायरेक्ट मेल। टू ऑफ द बेटर नॉन पब्लिकेशन आर डायरेक्ट मैसेज न्यूज अ वीकली ट्रेड पेपर एंड डायरेक्ट मैगजीन अ मंथली। ठीक है, आप इनको भी देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल्स आपको हैं। ये पब्लिकेशन है बेसिकली डायरेक्ट मेलर की एग्जाम्पल के अंदर डीएम न्यूज़ आ जाता है, वीकली ट्रेड पेपर आ जाता है और डायरेक्ट मैगजीन मंथली आ जाता है। अच्छा, हाउ इज़ डायरेक्ट मेल मार्केटिंग कैंपेन डेवलप। मार्केटर्स मस्ट फर्स्ट डिटरमाइन वेदर द गोल इज टू रिटेन कस्टमर और अट्रैक्ट न्यू वन, हु देयर टारगेट ऑडियंस इज एंड वॉट दे आर लुकिंग फॉर। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना है अपने कंज्यूमर या कस्टमर को। अच्छा, टारगेट ऑडियंस के बाद जो हम नेक्स्ट जिस पॉइंट पे आते हैं वो है कि हम ये देखते हैं कि हमारा बजट क्या है। दे देन लुक टू द बजट टू डिटरमाइन विच डायरेक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी वुड वर्क बेस्ट फॉर देम, वेदर देयर बी कैटलॉग, पोस्ट कार्ड और ईमेल कैंपेन्स। Once they know the answer to these questions, they begin to build a strategic implementation plan. The corporate image must be conveyed through the direct mail piece, meaning strong design and direction are required. Corporate image is vital in seemingly small details such as paper quality and the resolution of the graphic used will make an impression. Some companies may hire a third-party direct mail company to handle list creation, design and printing. Large companies may handle list creation, design, writing and possibly even printing in-house. To build a mailing list, marketers collect information about client and potential customer through in-house research. Many stores offer a sustainable percentage of a first purchase when consumer apply for a credit card in the store or when they opt into an email list. Other organizations and companies might set up a booth at a fair or conference, offering a chance to win an iPad when customers sign up for the newsletter and mailing. ठीक है, तो आप जब डायरेक्ट मेल के लिए समटाइम ये भी होता है कि आपको आगे से कंपनी इन रिटर्न कोई कूपन या आपको कुछ भी इस तरह का गिफ्ट वाउचर जो है वो ऑफर करती है कि आप अगर उनका मेलिंग आप उनका लेटर सब्सक्राइब करवाते हो, न्यूज़लेटर या कुछ भी पीस ऑफ ब्रोशर जो कि जब आप सब्सक्राइब करवाओगे तो वो सिर्फ उन्हीं कस्टमर को सेंड होगा जो कि उसको सब्सक्राइब करेंगे, सबको नहीं सेंड होगा। ठीक है, तो वो भी आपका इसी में डायरेक्ट मेल में आते हैं। वंस अ डायरेक्ट मेल कैंपेन हैज गोन आउट एंड कस्टमर हैव रिस्पॉन्डेड, कंपनीज ट्रैक रिजल्ट टू डिटरमाइन द कैंपेन इफेक्ट। मेजरिंग द नंबर ऑफ रिस्पॉन्स, इंक्रीज ट्रैफिक एंड प्रॉफिट मार्जिन गिव मार्केटर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर द डायरेक्ट मेल पीस प्रोड्यूस द डिसाइड रिजल्ट एंड व्हाट एल्स और इंस्टेड शुड बी टारगेटेड इन फ्यूचर कैंपेन। Classic package. A classic package is one of the most common type of direct mail. A classic package is sent in an envelope which contains a letter and a responsive device that is ordered from business reply card. The package may also include flyer, brochure or other information. The letter is considered the most important part of the package, creating the first impression on a potential customer. It is often even more effective to do a personalized direct mailing, which means that each letter will be addressed to a specific individual and mention detail or promotion specific to them. Classic packages are widely considered to be one of the most effective type of direct mail, but are often also one of the most expensive option because of the multiple material they needed to be printed and organized. Shipping can play a factor as well, since the classic package can weigh more than some of the other options.
Self mailer. A self mailer is a piece of mail that is sent without an envelope. Though there are several possible design options with self mailer, they are often more formed out of large piece of paper that is folded down to standard envelope or brochure size. Self mailer are usually formed out of one piece of paper, which can greatly reduce its cost. Postcard. Standard postcard range in size from 3.5 into 5 or 4.5 into 6. This size allows the postcard to be sent with a cheaper first-class postcard rate. Oversized postcard can have a higher visual impact, though they are more expensive to mail. Catalog. Catalog are most often used for companies that offer multiple products. Companies can put their best-selling product in front in order to draw people into its pages and therefore introduce them to newer product. Printed catalog can complete the full product list available online or in a physical store. Newsletter. Newsletter are most often sent to existing customer to keep them informed about update, news and sales. The putting together of an effective newsletter with a proper balance between news, information and sale copy can take a good deal of time, but the finished product is fairly inexpensive to print and mail. Acha class ye to tha aaj newsletter humne isko लास्ट इसकी ऑप्शन थी, ठीक है। हमने बात की डायरेक्ट मेल के बारे में, क्या हम इसके अंदर क्या क्या फॉर्म उसकी सेंड कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा न्यूज़लेटर है हमारे पास, कैटलॉग है, डिफरेंट ब्रोशर्स आ जाते हैं, डिफरेंट प्रिंटेड आइटम आ जाती हैं, 3D आइटम्स आ जाती हैं, जो कि आपको हेल्प आउट करती हैं आपके कस्टमर या आपके कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट डील करने में या डायरेक्ट उनके साथ बात करने में। क्लास में उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम इसको क्लास में फर्दर आगे इस पर क्वेश्चनिंग करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। आप इस लेक्चर को सुने, इस एग्जांपल्स को देखें और आप कोशिश करें कि इस तरह की और एग्जांपल फाइंड आउट कर सकें जो कि डायरेक्ट मेल के तौर पे यूज़ होती हैं या एज अ डायरेक्ट मेल आप क्या आइडिया सजेस्ट करते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। क्लास आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।